नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी तीसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में, जिसमें अपनी चल रही थी 3.5, जिसका आपने पहला भाग कर लिया था। आज इसका करेंगे दूसरा और अंतिम भाग, जिसमें अपन देख रहे थे द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति कैसे जांच करते हैं उसके बारे में। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो बेसिक वाला पार्ट है वो पिछले वीडियो में ही बताया गया है। अगर आप उस पार्ट को देखने के बाद में इसको देखते हो तो ये बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसके जो सवाल है, आपको क्या सवाल दिया। अगला जो सवाल दिया है तीसरा नंबर, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न हो। देखो शर्त क्या है, मूल वास्तविक और क्या है, भिन्न है, अपने को ये शर्त लगानी है। ठीक है, सवाल उसी तरह करना है जैसे पीछे वाला सवाल किया था। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले एबीसी के मान निकाले। ए बराबर कितना होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए, बी बराबर कितना होगा जो एक्स के साथ होता है, और सी बराबर क्या होता है जो सिर्फ संख्या। ठीक है, पहले अपने एबीसी का मान निकालिए। अब क्या करना है, यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, अगर वास्तविक और भिन्न हो तो अपन कौन सी शर्त लगाएंगे। देखो बी स्क्वायर माइनस चार ए सी क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से। बस आपको बराबर की जगह ये चिन्ह लगाना होता है जब क्या होते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तब क्या लगाते हैं, यहाँ पे बराबर का साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लगाना है, ये चिन्ह। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मान रख देना है। तो देखो मान क्या है, बी का मान क्या है दो, तो दो का स्क्वायर माइनस चार, गुणा ए का मान कितना है के, और सी का मान कितना है एक। ये ऐसे कैसे चलाना, बस बराबर की जगह ये चिन्ह चलाना है, बाकी सेम का सेम। अब देखो दो का स्क्वायर कितना होता है चार, माइनस चार को एक से गुणा करेंगे, चार के बराबर नहीं लगाना है कहीं भी, देखो ये चिन्ह रहेगा। अब अपन चार के को इधर ले जाएंगे तो प्लस का चार के, जैसे बराबर को इधर ले जाते हैं ना वैसे ये है सेम ही, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, चार बराबर चार के। अगर अपन के का मान निकालना चाहें तो देखो कि चार इधर आएगा तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, बाकी सारे को वो पक्षांतर के नियम वही चलते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में। तो ये चार से चार कट गया, क्या बचा एक ये। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आया, जो के का मान है वो एक से छोटा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा, आपको करना क्या है, पहले एबीसी के मान निकाल लेने हैं। अगर आपने एबीसी के मान निकाल लिए फिर आपको क्या करना होता है, मूल वास्तविक और जो शर्त दी हुई है वो लगानी है। शर्त के अनुसार क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बड़ा होता है किससे, जीरो से। ये शर्त लगाने के बाद इसके अंदर मान रखना है और हल करके के का मान निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये था इसका पहला सवाल। देखो इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। पहले तरीके में, पहले सवाल के में आपको तरीका तो समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल आपको अगर कोई डाउट है तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पर क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण के एबीसी का मान, ए का मान क्या है के, बी का मान क्या है छह, और सी का मान क्या है एक। अब आपको जो शर्त दी हुई है वो लिखो, यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, वास्तविक व भिन्न हो तो अपन क्या लगाएंगे, तो शर्त जो लगानी है वो ये लगानी है, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से। इसके अंदर अपने को मान रखना है, बी का मान कितना है छः, तो छः का स्क्वायर माइनस चार, गुणा ए का मान कितना है के, और गुणा सी का मान क्या है एक, बड़ा होगा जीरो से। छः का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस, यानी छः को छः से गुणा करना, माइनस चार को एक से गुणा करेंगे, चार के बड़ा होगा नौ से। अब अगर चार के को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, चार के इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, अब अपन मान रख लेते हैं। देखो 36 बटे चार बड़ा होगा के से। देखो चार इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में, तो ये 36 से चार एकम चार, नौ चौके 36 यानी 9 बार, 9 से क्या होगा के का मान 9 से बड़ा होगा। ठीक है, 9 बड़ा होगा के से, यानी बाकी मान क्या होंगे, के से छोटे होंगे। तो ये था सिंपल सा दूसरा सवाल, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही तरीका है, बस आपको मान रखने हैं और इसको हल करना है। देखो बहुत ही सिंपल से तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, एबीसी के मान निकालने होते हैं, फिर ये जो शर्त है कौन सी, इसके अंदर अपने को क्या करना है, यदि मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं तभी शर्त के अंदर मान रखना है, और आप इसको इस तरह से हल कर सकते हो। तो ये था इसका दूसरा सवाल।
इसके बाद देखते हैं इसका तीसरे का तीसरा सवाल, यानी आपको ये दिया है समीकरण, फिर से अपन क्या करेंगे इसके अंदर मान रख लेंगे, जो आपको मान दिया x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक, तो यहाँ देखो a बराबर क्या है एक, b बराबर क्या है माइनस का k, और c बराबर क्या है 9। यहाँ पर अपने क्या है एबीसी के मान लिख लिए। फिर अपने को क्या करना है, इसकी शर्त लगानी है। शर्त क्या है, यदि मूल क्या हो, वास्तविक व भिन्न हो। अगर वास्तविक वह भिन्न हो तो अपन क्या लगाएंगे, क्या शर्त है अपने पास हो तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर किसके बड़ा होता है, किससे, जीरो से। इसके अंदर मान रखने बी का मान क्या है माइनस का के, इसका माइनस चार गुणा ए, सॉरी ए का मान कितना है एक, और गुणा सी का मान क्या है नौ, बड़ा होगा जीरो से। माइनस के का स्क्वायर करो या प्लस के का स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। माइनस नौ को चार को एक से गुणा किया चार, चार को नौ से गुणा किया छत्तीस, बड़ा होगा जीरो से। अब छत्तीस को इधर भेज दो तो के स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, छत्तीस से। अब अपने को स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो बताओ क्या होता है, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो अंडर रूट, तो के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस छत्तीस, और छत्तीस का स्क्वायर क्या होता है एक को हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी छह। यानी अपन क्या लिखेंगे, देखो k का मान क्या होगा, एक तो होगा माइनस का छह और एक होगा k का मान ये। दो कंडीशन लगानी है, देखो दोनों ही क्या है k के मान है। एक में क्या करना है, k का मान होगा वो बड़ा होगा किससे, छह से, और एक में क्या होगा k छोटा होगा किससे, माइनस के छह से। ये दोनों ही शर्तें आपको लगानी है, ठीक है। इससे आप क्या है दोनों k के मान निकाल सकते हो। ये देखो इसके अंदर दो मान आएंगे k के, जहां पर स्क्वायर बन गया तो k के क्या आ जाएंगे, दो मान आ जाएंगे, एक प्लस का छह और एक माइनस का छह। लिखते हुए ध्यान रखना है माइनस छह को क्या करना है k से बड़ा करना है, जबकि k को क्या करना है प्लस छह से बड़ा करना है, और यहाँ पर k को माइनस छह से छोटा करना है। तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ये था इसका तीसरे का तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली का चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखो क्या कहा हुआ है, आपको कहा है के के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 हो के मूल वास्तविक नहीं है। क्या कहा है, मूल वास्तविक ही नहीं है तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो मूल वास्तविक नहीं हो उसकी शर्त लगानी है, ठीक है। तो अपन क्या है पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर एबीसी का मान निकले, ए बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है एक हो गया, बी बराबर क्या होगा 5k जो एक्स के साथ होता है वो, और सी बराबर क्या होगा 16। अब अपने को लगाना है यदि मूल वास्तविक नहीं हो, अगर मूल वास्तविक नहीं हो तो अपन कौन सी शर्त लगाएंगे, अपन ये शर्त लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस चार ए सी है वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं तब तो ये जीरो से बड़ा होता है, लेकिन मूल वास्तविक ही नहीं है तो फिर मतलब ये जीरो से छोटा, अपने जो शर्त लगी थी माइनस की संख्या जाती है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसके मान रखने, तो बी का मान क्या है 5k, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस चार गुणा ए का मान एक गुणा इसका मान 16, सी का मान कितना है 16। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और k का स्क्वायर क्या होता है, देखो इस तरह से करना है, 5 का स्क्वायर भी करना है और k का स्क्वायर भी करना है। माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 16 से करेंगे तो 16 चौके क्या होता है 64, ये क्या होगा 0 से छोटा। अब चाहे तो 64 को इधर भेज सकते हैं, तो 25 के स्क्वायर 64 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इधर माइनस का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब अपने को सिंपल सा आगे हल करना है बस। अब आप क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर इधर है 64, आप चाहें तो देखो 25 इधर के स्क्वायर के गुणा में उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा भाग में, तो ये मैंने लिख दिया बट्टे 25। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 64/25, लेकिन स्क्वायर था तो प्लस माइनस भी लगाना है, ठीक है। तो के बराबर क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 64 का कितना होता है अंडर रूट 8 और 25 का कितना होता है 5। देखो k का मान अपने पास क्या आ गया प्लस माइनस 8/5। अब इसको आप इसको दो टुकड़ों में रख सकते हैं, देखो एक तो k का मान क्या रखना है जो बड़ा होगा माइनस 8/5 से, पहला मान तो ये हो गया, यानी k का मान है माइनस 8/5 से बड़ा होगा k का। माइनस का जो साइन होता है ना वो इसका उल्टा लगता है, ध्यान रखना,
प्लस वाला तो जैसे का है वैसा का वैसा लगाना है, के बराबर देखो प्लस वाली संख्या है तो वैसे का वैसे लगानी है, 8/5, ठीक है। लेकिन माइनस का क्या है, जो आपका तीर का निशान है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ पर k का मान निकालेंगे तो k का मान कितना आएगा, एक तो माइनस का 8/5 से क्या होगा, k बड़ा होगा, और एक k का मान किससे छोटा होगा, 8/5 से क्या होगा, प्लस की संख्या से छोटा होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखो आपको सिंपल सा वही है, पहले abc का मान निकालो, फिर जो शर्त कही है यहाँ पर देखो शर्त क्या है, b²-4ac क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जीरो से, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है, इसके अंदर मान रखना है और सीधा सा हल करना है। यहाँ अंडररूट निकालते हुए देखो 64 का अंडररूट कितना होता है 8 और 25 का कितना होता है 5। फिर ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस वाला तो सीधा का सीधा जैसे ये बड़े का चिन्ह है उधर ही लगा दो, लेकिन माइनस का लिखेंगे तो चिन्ह उल्टा करके ये, इसका मतलब हुआ के का मान क्या है, -8/5 से तो बड़ा है लेकिन प्लस के 8/5 से छोटा है। तो ये था आपका इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, लेकिन अंतिम सवाल थोड़ा सा लेवल आपको मैं पहले बता देता हूं, थोड़े से क्या है इससे ऊपर लेवल का है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, पहले इसको आप अच्छी तरह समझेंगे फिर आप उस खुद करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण इस रूप में दी हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, b-cx² + c-ax + a-b=0, यानी ये तो द्विघात समीकरण, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और वो तीसरा पद सिर्फ संख्या वाला बराबर जीरो है, के मूल वास्तविक और बराबर है, मूल क्या है वास्तविक वह बराबर है, तो आपको यह सिद्ध करके बताना, यानी आपको उत्तर ये लेके आना, पहले से उत्तर दिया है कि यही उत्तर लेके आना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से आपको करना है, पहले अपन जो समीकरण दी हुई है उसको लिख लेते हैं, b-c का x² + c-a के साथ x + a-b = क्या है जीरो, ठीक है। यहां पर एबीसी का मान लिख लेते हैं, यहाँ छोटा एबीसी देखो सवाल के अंदर है तो इसको लिख लेते हैं a = b-c, क्योंकि ये सवाल के अंदर भी वो a है, अगर आप इसे a को लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, तो इसलिए मैंने क्या किया इसमें लिखने के लिए बड़ा a लिख दिया। फिर b बराबर क्या है c-a और c बराबर क्या है a-b। अब आपको दिया हुआ यदि मूल क्या है वास्तविक वह बराबर हो, अगर मूल वास्तविक है और बराबर है तो अपन कौन से सूत्र लगाते हैं, ये लगाते हैं b²-4ac = 0। देखो वो कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैंने यहां पर बड़ा एबीसी ले लिया, तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, पर वही मान रखेंगे इसके अंदर उसी तरह। तो b का मान कितना है c-a, इसका क्या करना है स्क्वायर -4 × a का मान कितना है a का मान ये रहा b-c और गुणा c का मान कितना है a-b, ठीक है, बराबर क्या रखना है जीरो। बहुत ही ध्यान से देखना, अब अपने को क्या करना है यहां से a-b का होल स्क्वायर खोलना है, क्या होता है देखो ये हो जाएगा c²-2ac + ca² ये मैंने यहां से सूत्र खोला है, फिर माइनस 4। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको इससे गुणा करा देते हैं, पहले b को a से गुणा करेंगे तो क्या देगा ab, फिर मैंने b को b से गुणा किया तो -b² क्यों हुआ, देखो ये b प्लस का है ये माइनस का है तो -b² अब इस c को गुणा कराते हैं a से तो -ac और c को गुणा करते हैं b से तो -bc, ठीक है, बराबर क्या है जी, ठीक है। तो देखो यहाँ c को b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का bc कैसे, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब अपन क्या करेंगे इस 4 के अंदर गुणा करनी है, ध्यान रखना है 4 के अंदर गुणा करेंगे, तो ये तो देखो c²-2ac + a² अब देखो -4 की गुणा करनी है, ध्यान रखना है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, माइनस का 4 अगर माइनस के 4 को गुणा करेंगे, एक तो देखो माइनस है ना तो सारे के सारे चिन्ह बदलेंगे और सबके साथ 4 की गुणा, तो ये पहला ए बी प्लस का है तो माइनस का 4ab हो जाएगा, ये देखो दूसरा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4b², यहाँ पर देखो तीसरा है ये भी माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4ac और लास्ट वाला है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा 4bc बराबर क्या है जीरो। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसके बाद देखो इसको हल करते हैं, देखो दो पद है ये भी 4ac ये भी ac का है ये भी ac का है, इसके साथ एक जैसे पद होते हैं ना वो जुड़ और घट सकते हैं, तो ये देखो माइनस का ये प्लस का है तो घटा होगी, तो बाकी सवाल ऐसे के c², ये देखो माइनस का 2ac ये प्लस का 4ac इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 2ac और प्लस का a² ऐसे कैसे पड़ा है, माइनस मैंने क्या किया ये 4ab तो ऐसे कैसे पड़ा है, ठीक है ये मैंने माइनस का 4bc भी यहां पर लिख दिया,
क्या लिख लिया, 4bc, और ये प्लस का 4b स्क्वायर ऐसे के ऐसे पड़ा है। देखो मैंने क्या कि ये 4bc को आगे लिख लिया, इसको और इसको तो हल कर दिया साथ में, ठीक है। अब देखो इसके आगे आपको क्या करना है, यहां पर देखें वापस तो ये क्या है, एक सूत्र बन रहा है। वापस से देखो इसकी तुलना पर करें इस सूत्र से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस सूत्र से। तो क्या इस सूत्र से वापस ऐसा नहीं लिख सकते, इससे वापस, तो देखो ये क्या बन रहा है, ये c का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर, यानी यहां पर आप ये लिख सकते हैं c प्लस a का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, c प्लस a का स्क्वायर। यहां पे देखो मैंने क्या किया, ये मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस का 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैंने माइनस का 4 भी यहां से कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, देखो 4 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा माइनस का प्लस का c, प्लस का 4b स्क्वायर ऐसे कैसे पड़ा है, प्लस का 4b स्क्वायर ऐसे कैसे पड़ा है। अब यहां से ध्यान देंगे तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या c प्लस a का स्क्वायर माइनस 4b, इसको भी लिख सकते हैं c प्लस a प्लस का 4b स्क्वायर बराबर 0। देखो c प्लस a लिखो या a प्लस c लिखो, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात तो एक ही होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो फिर से ये सूत्र बन रहा है, देखो क्या इसको मैं लिखूं ऐसे, c प्लस a का स्क्वायर गुणा 2 गुणा, ठीक है, मैंने लिखा c प्लस a और गुणा 2b प्लस 2b का स्क्वायर बराबर क्या है, 0। बराबर क्या लिखा मैंने, 0। देखो ये वापस से मैंने 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, b बन जाएगा, ये ऐसे कैसे, ये 2b का स्क्वायर खोलेंगे तो 4b स्क्वायर होता है। ये वापस से सूत्र कौन सा बन रहा है, देखो बीच में ही आ रहा है, तो ये बन रहा है पहला पद हो गया c प्लस a, ये माइनस 2b, इसका क्या बन रहा है स्क्वायर बराबर 0। इसकी तुलना करें तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ये a ये b प्लस का b स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया मैंने, ये पूरा a है ये b है, तो इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस a का माइनस 2b बराबर अंडर रूट 0 का स्क्वायर। अंडर रूट 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो मैंने लिखा c प्लस a, अगर 2b को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b बराबर c प्लस a या a प्लस c, जो अपने को उत्तर लाना था वो ये रहा, देखो ये सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो देखो आपको सवाल को थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि a b c थोड़े से ज्यादा आ गए, इसलिए आपको हो सकता है मुश्किल है, आपको अगर ये सवाल समझ में आ गया तो फिर आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखो सवाल को करना कैसे, दोबारा से देखते हैं, आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मैंने ए बी सी के मान निकाली, फिर आपको सवाल में कहा है इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो मूल वास्तविक और बराबर की कंडीशन लगा दी, ये रहा मूल वास्तविक और बराबर की, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0, सबके मान रख दिए। मान रखने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है इस सूत्र को खोलना है, ये मैंने खोल दिया a माइनस b के होल स्क्वायर से, ये खोल के यहाँ रख दिया, पूरा पूरा ये सूत्र खोला है। दूसरी तरफ क्या किया, इसको आपस में गुणा करा दी, ये 4ac कैसे पड़ा, इसको गुणा कराने पर ये बना, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका जो सूत्र था वो तो ऐसे कैसे, इस माइनस 4 की पूरे अंदर गुणा की, माइनस का गुणा करेंगे तो सबके चिन्ह बदलेंगे और साथ में क्या होगा, सबके साथ 4 की गुणा होगी, ठीक है। ये करने के बाद में क्या किया, यहां से इस पद को और इस पद को आपस में एक जैसे इसको जोड़ या घटा सकते हैं, तो देखो माइनस का 2ac है प्लस का 4ac, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2ac बचेगा प्लस का, तो ये लिख दिया मैंने। फिर ये माइनस का ये ऐसे कैसे पड़ा है, यहां वाला पद, इस पद को मैंने आगे, इस पद को इसके साथ हल करके लिख दिया, ये वाला पद मैंने यहां आगे लिख लिया, माइनस का 4bc और 4b स्क्वायर था प्लस का, वो ऐसे कैसे पड़ा है। यहां पर फिर से देखो इसके अंदर सूत्र बन रहा है, पहले तो माइनस वाले सूत्र कौन किया था, अब ये वापस प्लस का सूत्र आपको बनाना है, तो ये बन जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर। इधर से क्या है, यहां से मैंने इस दो पदों में से ही आपको क्या करना है, 4b कॉमन लेना है, इस दो पद में से सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ 4b कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये a प्लस सी बचेगा, प्लस का 4b स्क्वायर वैसे के वैसे पड़ा है, ठीक है। इसको सही तरीके से c प्लस a लिखो या a प्लस सी लिखो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए दूसरा पद। अब आपने क्या है, इसको इस सूत्र में बना दिया, ये देखें तो वापस ये सूत्र कौन सा बन रहा है, ये सूत्र ये बन रहा है पहले a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जो किसका सूत्र होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ पे बन रहा है। देखो कैसे, ये पहले c का स्क्वायर, फिर ये 2 गुणा में 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 को लिखा 2, फिर ये
फिर b का 2b लिख दिया, इसको वापस हल करोगे तो ये ऊपर वाला वापस बन जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या है 2b स्क्वायर, 4 का अंडररूट कितना होता है 2 और b, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो इसकी तुलना इस सूत्र से करें तो देखो ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a और ये दूसरे ब्रैकेट में होता है वो b, ठीक है। तो इसको लिख दिया c प्लस a माइनस 2b का और स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर अंडररूट का 0, अंडररूट 0 का मान क्या होता है 0। अब 2b को इधर भेजेंगे तो प्लस का, वैसे तो ये भी उत्तर है और ये भी दोनों ही उत्तर है, जो आपको इसे हल करना था वो आपका हो गया। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर गलती ना हो। तो ये था आपका इस प्रश्नावली का अंतिम पांचवा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये थी आपकी पूरी तीसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, या ये तीसरी प्रश्नावली आपको समझाई हुई कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जरूर बताना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और दूसरे बच्चों को भी इसको शेयर करके जरूर बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।